हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि रेलवे की तरफ से आज ही एक नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, यानी कि राइट्स लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। इसके अलावा एक और नई वैकेंसी है जिसकी भी हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है इस साल 2024 में, जो कि ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सभी कैंडिडेट जो है रेलवे की नई वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं इस साल 2024 के अंदर, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए रेलवे द्वारा एक एक करके नई भर्तियां निकाली जा रही है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आपको सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नियो वोल्टेक में दी जा रही है। रेलवे की नई भर्तियों की पल पल की अपडेट आपको यहां पर दी जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नई जानकारी आपको सबसे पहले यहां पर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चाहे तो दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, tipswarrantpal.xyz। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रेलवे की नई जॉब की सबसे पहले अपडेट दी जाती है, तो आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए रेलवे की नई रिक्रूटमेंट की अपडेट लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से तीन नई भर्तियों की जानकारी हम लेकर आए, एक एक करके आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन वैकेंसी के साथ, जो कि है राइट्स की वैकेंसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि राइट्स लिमिटेड की तरफ से है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी प्रोफाइल पे वैकेंसी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। राइट्स लिमिटेड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो प्रोफाइल, जो वैकेंसी जारी की गई है, पोस्ट का नाम जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है रेलवे की तरफ से। टोटल वैकेंसी कितनी है, 72। अप्लाई मोड क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो रखा गया है वो आप देख सकते हैं, क्या रखा गया है, रिटन एग्जाम, यानी कि आपकी यहाँ पर लिखित परीक्षा भी होगी। तो लिखित परीक्षा कैसे होगी, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू हम समझा देंगे, ठीक है, ताकि आप तैयारी कर सके। बात करते हैं कि सैलरी आपको यहाँ पर कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी आपको कम से कम 23,340 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो सैलरी काफी अच्छी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, लगभग 50,000 से 60,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं जॉब लोकेशन की, तो राइट्स लिमिटेड की जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया की। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपए रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 600 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा ऑनलाइन। बाकी एससी एसटी के लिए 300 रुपए की फीस है, तो यानी कि एससी एसटी के कैंडिडेट्स को भी 300 रुपए का पेमेंट करना है ऑनलाइन, सभी के लिए फीस है। ठीक है, उसे चेकआउट कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, बात की जाए कि एज लिमिट क्या रखी गई है, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम है 40 साल तक की, यानी कि अगर आप 40 साल तक के हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी एज का रजिस्ट्रेशन आपको मिल रहा है रिजर्व कैंडिडेट्स को। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या बीबीटेक, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, इसके आवेदन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन 7 अप्रैल से, और लास्ट डेट क्या है, 22 अप्रैल 2024। ठीक है, तो 22 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, सबसे पहला लिंक, यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और सेकंड नंबर के लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। ठीक है, कहाँ से है, राइट से है। ठीक है, आपको बता दें कि जो राइट्स है ये रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डिपार्टमेंट है, यहाँ से भी ये वैकेंसी निकाली जाती है काफी सारी। ठीक है, अगर आपको अपडेट नहीं है तो आप राइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, वहां पर आपको फुल अपडेट मिल जाएगा कि राइट्स कौन सी कंपनी है, रेलवे के लिए क्या काम करती है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये जॉब मिलेगी तो ऐसे आप मान के चलिए कि आपको रेलवे के अंदर जॉब मिल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को पहले चेकआउट कर ले। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो आप देख लीजिए असिस्टेंट मैनेजर की है। आप देख सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पर वैकेंसीज है, अलग अलग यानी कि ब्रांचेस में वैकेंसीज है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखी गई है यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं 40 साल तक की है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, पोजीशन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। वहीं आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर और भी जानकारी मिल जाएगी, जैसा कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस आपका यहाँ पर जो है रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा, 60% मार्क्स आपको लाने होंगे, वहीं इंटरव्यू आपका लिया जाएगा 40% मार्क्स के। उसके बाद आप देखते हैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होते हैं वो आप देखते हैं किस किस प्रकार होंगे। टोटल 100% आपको यहां पर मार्क्स लाने हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका एग्जाम होगा। तो यहां पर आप एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी आप देख सकते हैं आपको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, सैलरी कितनी मिल रही है, अदर जो आपको मिल रहा है बेनिफिट वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो काफी अच्छी आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली है। एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, जनरल ओबीसी एससी एसटी किस प्रकार फीस को पे कर सकते हैं और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसे चेकआउट कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, अब दूसरे नंबर की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने रेलवे मेट्रो के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको बता दें कि यूपी मेट्रो रेलवे में आ चुकी है नई भर्ती, काफी अच्छी जॉब है, बड़ी भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा, बार बार आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती, इस साल 2024 की ये नई भर्ती है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट की बात की जाए तो मल्टीपल जॉब्स यहाँ पर शामिल है, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पर भी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है और अकाउंट एसोसिएट की है और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। कुल मिलाकर 439 पोस्ट पर भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बड़ी भर्ती है ये, जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसका अप्लाई करने का प्रोसेस केवल ऑनलाइन दिया गया है और सिलेक्शन का प्रोसेस रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट के द्वारा रहेगा। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार के सिलेक्शन के प्रोसेस है, लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको जो मिल रही है 25,000 से 1,60,000 रुपए पर मंथ मिल रही है। ठीक है, और जॉब लोकेशन यूपी मेट्रो रेलवे की रहेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज का रिलेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या है। तो फीस की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपए फीस है, एससी एसटी पीएच के लिए 826 रुपए फीस है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10th के साथ अगर आप आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, डिग्री पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स होंगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और दोस्तों इस वैकेंसी के आवेदन जो है आप देख सकते हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 मार्च से और 19 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड 30 अप्रैल को जारी किया जाएगा और आपका जो एग्जाम होगा 11, 12, 14 मई 2024 को होगा। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं रेलवे की थर्ड नंबर की भर्ती के बारे में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे की साल 2024 की नई भर्ती के बारे में जो कि इंडियन रेलवे की तरफ से निकाली जा रही है। आरआरबी और आरआरसी की तरफ से भर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली जा रही है दोस्तों वो मल्टीपल है, टीटी की भर्ती है यानी कि ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की पोस्ट है, गुड़गांव की भर्ती है, टिकट क्लर्क की है और ग्रुप डी की भर्ती है। तो कुल मिलाकर जो भर्ती होने जा रही है 95,000 से अधिक पोस्ट पर ही भर्ती देखने को मिल रही है इस साल 2024 में। ठीक है, तो 95,000 पोस्ट पर ही भर्ती है। ठीक है, मामूली भर्ती नहीं है, बड़ी भर्ती है। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, आईटीआई डिप्लोमा, डिग्री पास, मतलब सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 95,000 पोस्ट पर भर्ती है, अप्लाई केवल आपको कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको कितनी मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या सैलरी मिल रही है। सैलरी आपको यहाँ पर मिल रही है 21,700 से 81,000 रुपए पर मंथ। ठीक है,
सिलेक्शन का जो प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है वो किस प्रकार होगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इन भर्तियों के लिए जो सिलेक्शन होगा सीबीटी बेस्ड एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो एज लिमिट यहाँ से आप देख सकते हैं कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल, और एज का रिलेक्शन भी है। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास, 12वीं पास और एनी डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके आवेदन कब से कब तक चलेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा कर ले। तो आवेदन जो है जून से शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है, जून 2024 से। पिछले वीडियो में आपको अपडेट बताया था, अगर आपने देखा नहीं है तो चैनल पर जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। जून से जुलाई तक इसके आवेदन चलेंगे, ठीक है, इन भर्तियों के। और जुलाई और एक सितंबर से ग्रुप डी की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आपको पता ही होगा एग्जाम का कैलेंडर भी आ चुका है और जून से इसके आवेदन हो रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट से आपको इन भर्तियों के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।